माइनॉरिटी की क्या हालत है सर? वो कंट्री में क्या हो रहा, मेरे क्या करने का उससे? उनका उनकी डेमोक्रेसी है, वो लोग चेंज भी कर सकते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक इकोनॉमी पे डिलीवर नहीं किया तो उनकी पार्टी हटा दी उसको, तो उनका मसला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा वो आप तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो हिजाब पे पाबंदी है और कुछ है सब। आप पूछना बोल इंग्लिश मात्र रहना, लोकल मात्र रहना। कितने सीट उठा रहे हैं और कितने जीतने के इम्कान हैं? हमारे पांच मेंबर्स, पांच उतारे थे, एक किसी पार्टी के दबाव में आके विड्रॉ करे, तो अभी चार कैंडिडेट हमारे हैं और उसके लिए कैंपेन करने के लिए मैं आया हूँ। हमारा पोजीशन अच्छा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उन चार वार्ड की आवाम हमको अपने वोट से कामयाब करेंगी, और हमारे काफ़ी कैंपेन भी चल रहा है हमारे कैंडिडेट्स का, अच्छा रिस्पांस है। पूरे कैंडिडेट जीते हैं तो कॉर्पोरेशन पे भगवा ध्वजा लहरा रहे हैं, वो उन्हें ये बताना है कि बीजेपी में करप्शन इतना क्यों बढ़ गया, करप्शन इतना बढ़ने की क्या वजह है। ऐसे कई लोग बोल रहे हैं कि इतना परसेंटेज बीजेपी ले रही है, गवर्नमेंट ले रही करप्शन में, उसके बारे में उनको बोलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बोलना चाहिए। अब वो इतने कांग्रेस के एमएलए जो रिजाइन करके गए बीजेपी में, मेरे से पूछे गए तो वो डर रहे, मजलिस से डर रहे उनको, इसलिए इस तरह के बातें करते हैं। दो तीन दिन के हो गए ऐसा बोलते हैं? नहीं, आप बोलो ना, आप सवाल करें तो आप बोलना। हर बार ऐसा प्लस हुआ ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं, आप देखो, आरोप नहीं है, आपका आरोप नहीं है तो ऐसे सवाल नहीं करना। आपको सवाल करें तो आप जर्नलिस्ट है कौन से अखबार के? आप साइकिल एक्सप्रेस। हाँ, साइकिल एक्सप्रेस। तो आपको बैक करो, आप खाली कोई बोले सा नहीं करना। आप अगर सवाल कर रहे हैं तो पूछो मेरे से कहाँ पे हुआ। हर बार बोलते हैं सब, हर बार भाई रोड पे खड़े एक दीवाना बोलता, मैं सबसे अकलमंद आदमी हूँ रोड पे दीवाना बोलता खड़े रहकर, सबसे अकलमंद मैं हूँ, उसको अकलमंद मान लेते क्या आप? बोलो आप। सर, और एक के विधायक ने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन निकालना चाहिए, स्टेट मोरल। यही तो बीजेपी का असल प्रोग्राम है, ये जो सबका साथ सबका विकास नहीं है। भारत से पूरे मुल्क से सेकुलरिज्म छोड़िए, बल्कि जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको उन्हों ख़त्म करना चाह रही है, बीजेपी का असली चेहरा है। सर से मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बोला मैं तो बोला हूँ ये बात। सर, कर्नाटक में एमएन कितनी मजबूत है, आने वाले एमएलए इलेक्शन को लेकर क्या मंसूबा बंदी आपके? नहीं, इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे।